हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, फाइनली एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की वैकेंसी जारी कर दी गई है और ये जो वैकेंसी है 2023 की लेटेस्ट वैकेंसी है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन है और इसके लिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी कर दी गई है। 4000 से भी ज़्यादा पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है और यहाँ पर ऑफिशियली इसके लिए जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके लिए शुरू हो चुके हैं और इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो 31 जुलाई रहेगा। तो 31 जुलाई 2023 तक आप लोग इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी फ़िलहाल आई है। प्रिंसिपल के लिए है, PGT के लिए है और नॉन टीचिंग स्टाफ में जो जो है अभी आगे बताया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन मोड में आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। प्रिंसिपल के लिए 2000 रुपये, PGT के लिए 1500 रुपये और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 रुपये। इसके अलावा डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन बाद में जो है अनाउंस किया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। और ड्यूरेशन एग्ज़ाम का 180 मिनट का रहेगा, यानी कि 3 घंटे का समय रहेगा और 150 मिनट का नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए रहेगा। टीचिंग स्टाफ के लिए 180 मिनट, नॉन टीचिंग के लिए 150 मिनट। इसके अलावा एडमिट कार्ड वगैरह सभी जानकारी आपको बाद में दी जाएगी। अभी जो जो ज़रूरी है अभी आपके लिए जानना, वो सभी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, नो फी इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड बाई कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC, ST, PW, BD कैटेगरीज। तो इन कैटेगरीज़ के लिए फ़ीस नहीं लगेगा। SC, ST, PW, BD इत्यादि कैटेगरीज़ के लिए शुल्क माफ़ है, ठीक है, 0 रुपये उनका शुल्क रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं। और जो डिटेल जानकारी है वो इसमें दिया गया है, कैटेगरी और एज से रिलेटेड। बाकी आप जानकारी देख लीजिएगा, PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से पोस्ट हैं। प्रिंसिपल के 303 पोस्ट हैं कुल मिलाकर के। PGT के 2266 पोस्ट हैं, जो टीचिंग PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के 2266 पोस्ट हैं। अकाउंटेंट के 361 पोस्ट हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के 759 पोस्ट हैं। लैब अटेंडेंट के 373 पोस्ट हैं। टोटल अगर आप देखें तो 4062 पोस्ट यहां पर वैकेंसी जारी की गई है। प्रिंसिपल के लिए डिटेल यहां पर दिया गया है। वर्गवार जानकारी दे दी गई है कि UR में 125 सीट है और EWS में कितने हैं, OBC में कितने हैं, STSC सारी चीज़ें दे दी गई हैं। टोटल 303 पोस्ट इसमें हैं। उसी तरह से PGT के लिए आप यहाँ पर से देख सकते हैं PGT में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, कुल मिलाकर के 2086 पोस्ट यहाँ पर हैं। आगे बढ़ते हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ में आप देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड टीचिंग स्टाफ में थर्ड लैंग्वेज के लिए भी है। मराठी, उड़िया, तेलुगु, संस्कृत, बंगाली और संथाली इत्यादि यहाँ पर है। कुल मिलाकर के 180 पोस्ट हैं इसमें। नॉन टीचिंग स्टाफ में आप देखेंगे यहाँ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के 759 पोस्ट हैं। अकाउंटेंट के 361 पोस्ट हैं। लैब अटेंडेंट के 373 पोस्ट हैं। कुल मिलाकर के 1493 पोस्ट इसके हैं नॉन टीचिंग स्टाफ के। तो इस प्रकार ये जो है वैकेंसी का डिटेल था, किन किन पोस्ट के लिए क्या क्या है। और यहाँ पर दिया गया है कि पे मैट्रिक्स लेवल यहाँ पर आपका दिया हुआ है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण। EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड इन OMR बेस्ड। तो OMR बेस्ड होगा, यानी कि ये पेपर पेन वाला एग्ज़ाम होगा आपका, 4 ऑप्शन वाले, ठीक है। ऑनलाइन नहीं होगा, CBT इसमें नहीं दिया गया है। OMR है, यानी OMR सीट वाली आपकी एग्ज़ाम होगी। पेन पेपर मोड यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा चॉइस ऑफ मीडियम यहाँ पर देख सकते हैं कि बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी यहाँ पर दिया गया है। एग्ज़ामिनेशन का मोड दोनों हो सकता है, तो आप जो चुनेंगे वो आपका माना जाएगा। और एग्ज़ामिनेशन दोनों मोड में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रश्न वहाँ पर छपे होंगे। बाकी जो इंग्लिश का है वो इंग्लिश में रहेगा, हिंदी वाला हिंदी में रहेगा। एग्ज़ाम का पैटर्न यहाँ पर देख लीजिए, प्रिंसिपल का क्या पैटर्न है यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। 130 मार्क्स जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के 20 मार्क्स अलग से रहेंगे। इसके अलावा पर्सनल टेस्ट या इंटरव्यू 40 नंबर के रहेंगे प्रिंसिपल में। PGT की बात करें तो PGT में देखिए यहाँ पर मेंशन नहीं है,
पीजीटी का इंटरव्यू मेंशन नहीं है, तो एग्ज़ाम का मोड यहाँ पर 130 मार्क्स के रहेंगे, 130 मार्क्स के, और साथ ही 20 मार्क्स के आपके लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी रहेगी, कुल मिलाकर के 150 हो जाते हैं। और उसका यहाँ पर जो है पैटर्न भी दे दिया गया है कि जनरल अवेयरनेस रहेगा 10 नंबर का, रीजनिंग एबिलिटी 20 नंबर, नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 नंबर, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर, और डोमेन नॉलेज जो आपका सब्जेक्ट पार्ट रहेगा वो आपका 80 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 70 प्लस 5 प्लस 5, ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज स्पेसिफिक आपका 70 नंबर का, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडोगोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 5 नंबर, और NAP 5 नंबर, इस प्रकार से इसका काउंटिंग किया गया है। साथ ही लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी आपसे पूछा जाएगा, जो कि 10-10 नंबर के रहेंगे, कुल मिलाकर के 20 नंबर के, जिसमें कि दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इज नेचर ओनली विथ मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज, यानी दोनों भाषाओं में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका मिनिमम 40% होना चाहिए, और ये जो है क्वालिफाइंग रहेगा। मेन जो 130 नंबर आपका है उसमें ये एड नहीं होगा, ये क्वालिफाइंग रहेगा, 40% आपको लाना ज़रूरी है। बाकी जो भी डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए इस प्रकार का पैटर्न रखा गया है, 150 नंबर का, ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट लिया जा सकता है, टाइपराइटर टेस्ट विल बी असेस्ड, ठीक है। यहाँ पर PC पर्सनल कंप्यूटर ओनली यहाँ पर होगा आपका टाइपराइटर टेस्ट। यहाँ पर लैब अटेंडेंट का आप देख सकते हैं, लैब अटेंडेंट का भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और इसका डिटेल जानकारी अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है, और भी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं आपको इसके बारे में क्या जानकारी चाहिए। आगे इसके लिए आने वाले वीडियोज़ में आपको जानकारी मिलती रहेगी। अच्छा, जो एक महत्वपूर्ण जानकारी है PGT के लिए, यहाँ पर आपको पता ही है कि PGT के लिए TET नहीं मांगा जाता है, तो इसमें TET नहीं चाहिए, सिर्फ मास्टर डिग्री चाहिए और BEd आपका होना चाहिए, और इसके लिए आप पात्र हो जाएंगे। और PGT कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर BEd नहीं बोला गया है, और इसकी क्वालिफिकेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, पहले के वीडियो में मैंने बताया हुआ है, इसके लिए BEd अनिवार्य नहीं है। अकाउंटेंट के लिए आप देख सकते हैं डिग्री ऑफ कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर अकाउंटेंट के लिए जो है डिग्री ऑफ कॉमर्स यहाँ पर मांगा गया है, यानी कॉमर्स में आपकी डिग्री होनी चाहिए। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी क्लास 12 सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड, प्रोसेसिंग मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग, ये आपका मांगा गया है। लैब अटेंडेंट के लिए देख सकते हैं यहाँ पर 10th पास विद ए सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक यहाँ पर मांगा गया है, या फिर आपका 12th क्लास विथ साइंस स्ट्रीम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यानी कि आपका अगर 10वीं पास है तो उसके साथ आपका सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक होना चाहिए, या फिर आपका 12th पास साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, तो आप लैब अटेंडेंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की ये पूरी जानकारी थी, अगर कोई जानकारी छूट गई होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का यहाँ पर दिया गया, आप देख सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए आपका 5 साल का छूट आपको दिया जाएगा, जो भी मैक्सिमम एज वहाँ पर बताया गया है उसमें। OBC नॉन क्रिमिनलर के लिए 3 साल का, और बाकी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और आई होप मैंने लगभग सभी चीज़ें यहाँ पर कवर की हुई हैं। इसके साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, आपको सर्टिफिकेट जो है सेंट्रल फॉर्मेट में बनवाना होगा, जो भी आपका है, जो भी एग्ज़ाम देने के लिए या सिलेक्शन के लिए जो आपकी सर्टिफिकेट होती है, चाहे वो PH हो, PH से संबंधित हो, चाहे वो आपका OBC सर्टिफिकेट हो, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, वो आपको SC ST सभी को जो है सेंट्रल फॉर्मेट में बनाना होगा। फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है, इस फॉर्मेट में ही आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट ये सभी आपको बना करके जो DV होगा वहाँ पर आपको देना है, ठीक है। दावा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यहाँ पर लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़ यहाँ पर दिया गया है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में रायपुर यहाँ पर सेंटर दिया हुआ है, बाकी आप लोग देख सकते हैं। और
जो भी चीज़ें जानकारी छूट गई होगी वो आपको अगले वीडियो में दे दी जाएगी। लाइक और शेयर सभी दोस्तों तक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।